परीक्षा का असर इस साल पड़ने वाली प्रायः सभी त्योहारों पर पड़ रहा है। 25 दिसंबर को पड़ने वाले क्रिसमस पर्व पर भी कोरोना का असर देखने को मिला। सामान्यतः क्रिसमस की बधाई लोग एक दूसरे को हाथ मिलाकर देते हैं। कोरोना के कारण इस वर्ष चर्च पहुंचने वाले समाज के लोग एक दूसरे को गले मिलकर या हाथ मिलाकर नहीं बल्कि दूर से ही नमस्कार कर पर्व की बधाई दी। क्रिसमस पर्व को लेकर अभी तक चर्च प्रबंधन को प्रशासन से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन शहर के चर्च प्रबंधकों ने जागरूकता का परिचय देते हुए कोविड नियमों का पालन करते ही क्रिसमस मनाने का निर्णय लिया है। हम बात कर रहे हैं 127 वर्ष पुराने इंदौर के रेड चर्च की, जहां इस बार कोरोना के चलते चर्च में एंट्री के लिए पहली बार पास जारी किए गए और पास भी केवल 250 लोगों के लिए ही रखे गए हैं। इस दौरान बिना पास वाले व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्रिसमस पर चर्च के बाहर ही सैनिटाइजर रखा गया, जिससे चर्च के अंदर प्रवेश से पहले सभी को हाथ सैनिटाइज कर रेड चर्च में प्रवेश दिया गया। वहीं इस वर्ष कोरोना की वजह से 24 दिसंबर की रात में होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन भी नहीं किया गया। आपको बता दें, यहां प्रतिवर्ष 24 दिसंबर की रात 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद केक भी काटा जाता था। इस वर्ष सिर्फ बाइबल संदेश वाचन के साथ गीत की प्रस्तुति दी गई और क्रिसमस पर्व मनाया गया। इस बार चर्च पहुंचने वाले सभी को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जहां ईश्वर यीशु मसीह के जन्म से पहले परंपरागत रूप से क्रिसमस का पर्व मनाया गया। रेड चर्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के तहत क्रिसमस पर्व का माहौल काफी फीका रहा।